परसों मतगणना होनी है और इसको लेके विभिन्न टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल दिखा रहा है, उसके मुताबिक भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है, तो आप इस एग्जिट पोल से कितने संतुष्ट हैं? आप क्या जानते हैं, मतलब क्या मानते हैं कि एग्जिट पोल कितना सही निकलेगा? हमारे हिसाब से तो ये एग्जिट पोल बिल्कुल गलत है जी। दूसरा, अभी आप लोगों ने देखा होगा बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनती हुई एग्जिट पोल ने दिखाया था जी, सारे मीडिया ने दिखाया था, वो नतीजा आप लोगों के सामने है और आने वाली 10 तारीख को वो ये नतीजा भी आपके सामने आया। अभी जी, आप भारतीय जनता पार्टी के जालौन नगर के अध्यक्ष हैं, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 200 से 250 के आसपास की सीटें मिलने की उम्मीद है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो उस एग्जिट पोल से आप कितना सहमत हैं या आपको क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीटें ला सकती है? एग्जिट पोल से पूर्णतया सहमत है और भारतीय जनता पार्टी 250 प्लस सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएगी। ये जो वोटिंग हुई है वो विकास की और लॉ एंड ऑर्डर को लेके आम जनता ने वोटिंग की है। अच्छा, विपक्ष बराबर आरोप लगा रहा है कि, और ये भी कह रहा है, कल भी आज भी विपक्ष का एक बयान आया है कि एग्जिट पोल पलट जाएंगे पश्चिम बंगाल की तरह, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एग्जिट पोल पलट जाएंगे, सपा की सरकार आ सकती है? उनके पास कोई कहने को आधार ही नहीं है। आज वो एग्जिट पोल देख के एग्जिट पोल के लिए कह रहे हैं, कल जब ये एग्जिट पोल को हम सीटों में तब्दील करेंगे, नतीजे आएंगे, तो ये विपक्ष के लोग ईवीएम का रोना रोएंगे। डॉक्टर साहब, हम ये बताइए, इस समय मतदान की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है, मतगणना परसों होनी है और एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा फिर से सरकार बनाने जा रही है, आप एग्जिट पोल से कितना सहमत है और भाजपा कितनी सीटें ला सकती है? मैं एग्जिट पोल से पूर्णतः सहमत हूं जी। और जो एग्जिट पोल बता रहा है उससे हम सरप्लस लेके आ रहे हैं। सोनू जी, आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं जालौन में, तो आप जो एग्जिट पोल से दिखा रहा है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है, तो आप इससे कितना संतुष्ट हैं? इस एग्जिट पोल से हम जरा से भी संतुष्ट नहीं हैं जी, क्योंकि ये जो है मोदी मीडिया और प्लस मोदी मीडिया है जी, कुछ भी दिखा सकती है जी और कुछ भी करा सकती है जी। इस एग्जिट पोल से आप देख रहे होंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अभी जो है जनयात्रा विजय यात्रा निकाली, उन्होंने इतना जनाधार कि शायद है कि इनकी एक दो रैलियाँ हमने देखी हैं जहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हमने देखी हैं। अब हमें तो नहीं लगता कि किस हिसाब से उनका एग्जिट पोल इतना हाई है। फिलहाल 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी 200 प्लस सरकार। आप हमें ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से दोबारा से सरकार बनाने जा रही है, एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा को 200 से 250 सीट के बीच में मिलने की उम्मीद है, तो इस एग्जिट पोल से आप कितना सहमत है, आपको क्या लगता है भाजपा कितनी सीटें ला सकती है? मैं एग्जिट पोल से पूर्णतः सहमत हूँ जी, और 300-325 पहली बार आए थे लेकिन विषम परिस्थितियाँ जो हुई, हमारी लड़ाई सफा से हुई है चुनाव में जी, और हमारे किसान आंदोलन कई कार्य ऐसे प्रभावित हुए, उसके बावजूद भी हम 260 प्लस लेके आएंगे, 260 से नीचे तो हमारा प्रश्न ही नहीं। इस समय एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, तो इस एग्जिट पोल से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, एग्जिट पोल एक अनुमान होता है जी, वो अनुमान कभी फैक्ट नहीं जी, अनुमान कभी सही नहीं होता जी। आगे आने वाली 10 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और जो भी एग्जिट पोल वाले जिन्होंने अनुमान लगाया है और उनका अनुमान जैसा का तैसा धरा का धरा रह जाएगा, और उनका अनुमान जो आपके मुताबिक किसकी सरकार बन रही जा रही है अभी कुछ नहीं कह सकते। इकबाल भाई, आप पिछले काफ़ी दिनों से समाजवादी पार्टी के लिए समर्पित हैं, और आपसे एक बात सवाल हमारा ये है कि एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा की सरकार दोबारा से इस प्रदेश में बनने जा रही है, उसको लेकर 200 से 250 सीटें दिखा रहा है और आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को 100 से 150 के बीच सिमटता दिखाई दे रहा है, तो इस एग्जिट पोल को आप कितना आप इससे कितने संतुष्ट हैं? हम लोग तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं जी। उदाहरण के तौर पर बहुत बड़ी बात, उत्तर प्रदेश की बात तो हम नहीं करना चाहेंगे जी, क्योंकि हम लोग भी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जी दोबारा से सरकार मिलने जा रही है जी। सबसे बड़ी बात है कि जनपद जालौन में 3 विधानसभाएं हैं जी, आप लोग भी स्थानीय हैं जी, एग्जिट पोल की हमें जो जानकारी है उस हिसाब से जनपद जालौन की तीनों सीटें विधानसभा की जो हैं वो बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं जी, जो उनका आया है जी, तीनों जनपद जालौन के तीनों आप भी लोग जान रहे होंगे तीनों सीटों पर कहाँ भारतीय जनता पार्टी है जी। तो इस एग्जिट पोल से आप संतुष्ट कितने हैं? बिल्कुल, हम क्या आम आदमी अचंभे में पड़ा हुआ है जी कि किस हिसाब से एग्जिट पोल ये लोग लेके आए उत्तर प्रदेश का, कहीं भी ऐसा नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल इतना ज़बरदस्त तरीके से दिखाया जा रहा है, कहाँ से लिया है इन्होंने? एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में दोबारा से भाजपा की सरकार बनने जा रही है, इसमें एग्जिट पोल भाजपा को 200 से 250 सीटें दिखा रहा है, तो इस एग्जिट पोल से आप कितने संतुष्ट हैं, आपका मानना क्या है? देखिए हम आपको अपनी बात बता दें जी कि एग्जिट पोल बिल्कुल गलत कर रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं जी।
और या तो गवर्नमेंट बेईमानी करवाना चाहती है जी। इसलिए इस बार सबसे ज़्यादा जन समर्थन मिला समाजवादी को जी। और तब भी उसके बाद अगर मीडिया दिखा रही है एग्जिट पोल कि भाजपा की सीटें इतनी आ रही थी, बिल्कुल झूठ है।